डालते हैं स्पीक्स। किसी ने बड़ा अच्छा ही कहा है कि दिल की बात कभी ना कभी तो जुबान पे आ ही जाती है, और इसकी अमली झलक कल नेशनल स्टेडियम कराची में नजर आई, जहां मोहम्मद रिजवान प्रैक्टिस सेशन के बाद मीडिया के नुमाइंदों के सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिल की बातें की। उनसे कई एक सवाल हुए, टीम की मैनेजमेंट के मुतालिक सवाल हुए, कप्तानी के मुतालिक सवाल हुए, बैट्समैन के नंबर्स के मुतालिक सवाल हुए, और इसी में से एक सवाल ये था कि आप ओडीआई क्रिकेट में नंबर 5 पे बैटिंग करते हैं, क्या आप अपने नंबर से सेटिस्फाई हैं या नहीं, क्योंकि आप अगर नंबर 4 पे खेलें तो वहां आपके स्टैट्स बहुत अच्छे नजर आते हैं। तो इसके जवाब में मोहम्मद रिजवान ने कुछ दिल की बातें की। उन्होंने कहा जी कि मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मैं नंबर 5 पे खेलने से खुश नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि नंबर 4 पे मुझे खिलाया जाए, लेकिन टीम मैनेजमेंट, कोच हो गए, कप्तान हो गए, उनका डिसीजन है कि मैं नंबर 5 पे खेलूं, तो इसलिए मैं नंबर 5 पे खेल रहा हूं, मैं कोई गिला शिकवा नहीं करूंगा। लेकिन देखें, आप मीडिया के सामने आगे सारी बातें कर भी रहे हैं कि मुझे नंबर 5 पे नहीं खेलना, मुझे नंबर 4 पे खेलना है, मैं वहां ज्यादा कंफर्टेबल हूं, एंड देन ऊपर से आप ये भी कह रहे हैं कि मैं गिले शिकवे तो आप मीडिया के सामने जब बात कर दी है, कहते ना साफ छुपते भी नहीं और साफ सामने आते भी नहीं, तो फिर कौन सी बात रह जाती है पीछे। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने अपने दिल की बात तो कह ही दी कि वो नंबर 4 पे ओडीआई खेलना चाहते हैं। देखें, अगर स्टैट्स वाइज हम देखें तो मोहम्मद रिजवान वाकई नंबर 4 पे तो अच्छा परफॉर्म करते रहे, 20 इनिंग्स उन्होंने खेली है नंबर 4 पे और 743 रन बनाए, जिसमें 5 फिफ्टियां और 2 हंड्रेड भी शामिल है, इसमें से एक उनका हाईएस्ट रन स्कोर है 114 जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाया था। एंड देन उनकी देखें एवरेज भी इस पर बहुत अच्छी है, 40 प्लस की एवरेज है, 90 का स्ट्राइक रेट है, तो अगर नंबर 4 की पोजिशन पे ऐसा बैट्समैन है जो मिडल ओवर में 90 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके दे रहा है, और देखें जब ये आखिरी ओवर में जाए तो तब आप साइकिल मल्टीपल भी हो जाता है, तो ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान अच्छे यूटिलाइजेबल हो सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे में देखें तो मोहम्मद रिजवान को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी किया गया, बट वो मेनली 5 पोजीशन में नजर आए हैं, और उनकी रिसेंटली नंबर 5 में फॉर्म भी बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने पिछले 5-6 इनिंग्स में अच्छी इनिंग्स खेली है, 3-4 उन्होंने 50 बनाए, तो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या है, टीम मैनेजमेंट उनका नंबर प्रमोट करती है नहीं, क्योंकि नंबर 4 का जो स्लॉट है वो पाकिस्तान टीम में डिस्टर्ब तो जरूर है। कभी हम पहले पीछे चले जाए तो हुसैन तलत वगैरह इन सबको ट्राई करते रहे कुछ दिन चाह, लेकिन रिसेंटली अभी हम देखें, पहले मैच में हमने शान को खिलाया, दूसरे मैच में हमने दुलश भी को खिला दिया, तो चौथा नंबर है ना जो बड़ा टेक्निकली स्ट्रांग नंबर होता है कि टीम को, क्योंकि देखें अगर आपकी ऊपर से विकटें गिर गई हैं तो ये आपको न्यू बॉल से भी खेलना पड़ जाता है, और अगर आपकी विकटें सस्टेन कर गई हैं तो आपको लोअर ऑर्डर आगे एंड देन फिनिशिंग का रोल भी देना पड़ता है। तो मोहम्मद रिजवान के जो उनके पास जो स्ट्रोक रेंज है एंड देन उसके बाद जिस तरह के वो प्लेयर हैं, तो वो अगर इस नंबर पर टीम उन्होंने यूटिलाइज करे तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन लेट्स सी पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट क्या फैसला करती है, क्योंकि अब इफ्तिखार अहमद को भी सिलेक्ट कर लिया गया, तो क्या इफ्तिखार अहमद नंबर 4 पे आते हैं या रिजवान को ऊपर करके इफ्तिखार को 5 पे एडजस्ट किया जाता है। लेट्स सी क्या एक डायलेमा बनता है पाकिस्तान टीम का अगले मैच में। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के बाद दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।